वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम क्लास सिक्स हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लास सिक्स हिस्ट्री के हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। 6 चैप्टर में हमने देखा था कि वैदिक जो एरा है, लेट वैदिक एरा, वो भी आ चुका था। उसमें राजा जो थे उनकी आर्मी आ चुकी थी और जो किंग्स थे वो थोड़े स्टेबल ज़्यादा हो गए थे। और अब जो राजा थे वो सिर्फ जनता के वोट से नहीं बनते थे, थोड़ा बहुत उनमें चेंज आ गया था। वो खुद लोगों को सप्रेस करके, मतलब पावर दिखा के राजा बन जाते थे। तो अब हम देखेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया। मतलब जो नए नए क्वेश्चंस डेवलप हुए, लोग जो दूसरी दूसरी चीज़ें सोचने लगे थे, कुछ नए आइडिया आने लगे थे उनको, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं हम बेसिक पॉइंट्स के बारे में जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला है बुद्धा एंड राइज ऑफ बुद्धिज्म। जो लॉर्ड बुद्धा थे वो, उनकी स्टोरी देखेंगे थोड़ी सी। फिर हम देखेंगे कि जो बुद्धिज्म है, नया कल्चर, वो कैसे ग्रो हुआ। चेंजेस ड्यूरिंग महाजनपद, जो महाजनपद थे, महाजनपद, जो महाजनपद की फॉर्मेशन हो रही थी उसी दौरान पे कुछ चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में, वो देखेंगे। ठीक है, फिर स्टोरी ऑफ उपनिषद देखेंगे। जो उपनिषद थी वो बुक्स कब रिटन हुई, वो क्या थी, इन सब के बारे में देखेंगे। महावीर जैन और जैनिज्म की स्टार्टिंग देखेंगे। और एल्सवेयर में हम देखेंगे ज़ोरास्ट्रिज्म के बारे में, जो कि कहाँ है, ईरान में है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पीरियड ऑफ महाजनपद में क्या चेंजेस आए। तो देखो क्या होता है, जब भी कोई सोसाइटी स्टैब्लिश होती है उसमें हमेशा चेंजेस आते जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि ठीक है बस ऐसा है, ऐसा ही हमेशा रहेगा। देखो जैसे पहले लोग चिट्ठी भेजते थे तो उनका कम्युनिकेशन हो रहा था, लेकिन वो उस जगह पे रुके नहीं। पहले उन्होंने चिट्ठी, ये लेटर्स वाला काम था, फिर उसके बाद टेलीग्राम आया, उसके बाद टेलीफोन आया, उसके बाद फ़ोन आ गया। तो धीरे धीरे क्या है, एडवांसमेंट होता गया और लोग नई नई चीज़ों में अपग्रेड होते गए। ऐसे ही पहले के टाइम पे वैदिक सिस्टम में, चलो ठीक है, वेद लिख दिया, महाजनपद बन गए, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस आते रहे। जैसे कि पॉलिटिकल चेंज आना, जो लोगों, जैसे अभी क्या है, अभी पॉलिटिकल चेंज का क्या मतलब है, सरकार में बदलाव आना। पहले पॉलिटिकल चेंज का क्या मतलब था, जो उनके राजा थे, किंग थे, उनमें बदलाव आना। ठीक है, सम कल्चरल चेंजेस ऑकर। कल्चरल चेंजेस का क्या मतलब होता है, एक सभ्यता होती है जिसके अकॉर्डिंग लोग रहते हैं, कि ठीक है हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, हम ऐसे खाना खाया करेंगे, हम त्यौहार ऐसे बनाएंगे या फिर इस दिन त्यौहार मनाएंगे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इन सभ्यताओं में परिवर्तन आने लगे। ठीक है, लोग अलग तरीके से रहने लगे, कुछ कुछ चेंजेस आने लगे। नाउ पीपल वॉन्टेड टू नो ट्रूथ। अब देखो वेद आ गए। अब वेदों को एक से दूसरे में कैसे जाते थे, बोल बोल के, कि एक गुरु जी आए, उन्होंने एक इंसान को सारे वेद पढ़ा दिया, वो इंसान पढ़ लिया, अब उस वो क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में बताएगा। ये बहुत टाइम तक चलता रहा। लेकिन अब क्या हुआ, जो शिष्य था वो जानना चाहता था कि जो गुरु बता रहे हैं वो सही ही है या फिर जो लिखा है बस बता दिया, ये लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। लोगों को ट्रुथ जानना था। फिर उनको ये भी जानना था कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है, क्यों जी रहे हैं हम, कुछ तो मतलब होगा इसका, वो जानना था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ बुद्धा के बारे में। ठीक है, तो देखो उनका नाम था सिद्धार्थ और उनको गौतम भी बोलते थे। तो एक राजा थे, उनका नाम था कपिलवस्तु। ठीक है, वो एक जो साक्षा क्षत्रिय है उसके गणा के राजा थे। इसका क्या मतलब हुआ, जब हम लोगों ने पिछला चैप्टर में महाजनपद पढ़े थे तो हमने दो पढ़े थे, एक वज्जी पढ़ा था याद होगा तो उसमें क्या होता था, एक राजा नहीं होता था कि चलो एक राजा है ये लीड करेगा, ऐसा नहीं होता था। बहुत सारे किंग होते थे, ठीक है, और सारे राजा होते थे, सारे इक्वल होते थे, तो इसलिए कोई बड़ा राजा छोटा राजा नहीं था, सब छोटे छोटे राजा ही थे, क्योंकि वो बहुत एक एरिया में 100 राजा हैं तो सबको कम पावर मिलेगी, या फिर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि जो मैं बोलूँगा वही होगा। ठीक है, तो वो एक ऐसे क्षत्रिय जो संघ था उसके राजा थे, जो इनके पिता थे। तो जब ये पैदा हुए तो उनका नाम क्या रखा गया, सिद्धार्थ, और गौतम नाम रखा गया। उसके बाद क्या हुआ था, ये एक रिपब्लिक के राजा थे और ये लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए थे। अब क्या हुआ कि जब ये पैदा हुए तो ये किंग थे, फ्यूचर किंग थे, ठीक है, टू बी किंग, मतलब वो बाद में किंग होने वाले थे। तो क्या हुआ, जब आपको पता होता है कि ये इंसान किंग बनने वाला है तो वो पहले से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या हुआ, राजा उसको लेके गए एक बहुत वो संत महात्मा के पास और बोला कि आप बताइए कि इनका फ्यूचर में क्या होगा, इनका फ्यूचर कैसा होगा। तो उन्होंने बताया कि या तो ये बहुत बड़ा संत बनेगा या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा,
ठीक है, और दोनों ही केस में पॉजिटिव चीज ये है कि ये बहुत बड़ा बनेगा, दैट मीन्स उसको 1000 साल तक लोग याद करके रखेंगे। राजा बहुत खुश हुआ कि ठीक है मेरा बेटा जो है ग्रेट बनेगा, पर उनको ये दिक्कत थी कि वो नहीं चाहते थे कि जो ये हैं सिद्धार्थ हैं वो संत बने, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको एक महल में ही रखते थे, ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते थे, उनको सब ऐसे दिखाते थे कि दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत खुशियाँ हैं ज़िंदगी में। एक दिन क्या हुआ, ये चुपके से निकल गए, उन्होंने क्या देखा, ओल्ड मैन है ये, ठीक है, एक ओल्ड मैन को देखा, डिसीज्ड मैन को देखा, डेड बॉडी को देखा और एक संत को देखा। तो उन्होंने जब वो घूम रहे थे बिना किसी को बताए, उन्होंने अपने जो उनका रथ चालक था, सारथी था, उससे बोला कि चलो मेरे को घूमने जाना है। वो उसको घूमने उनको घूमने जाने के लिए लेके गए, तो उन्होंने चार चीज़ें देखी। कौन कौन सी चीज़ें देखी थी, एक ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक डेड बॉडी और एक संत देखा। उन्होंने चार चीज़ें देखी, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये ज़िंदगी में जितने भी दुख दम है, हार्श रियलिटी के बाद उनको पता चला कि वो क्या होता है, जैसे हम किसी एक चीज़ में बहुत दिन से मान रहे हैं कि भाई ये जो लिखा है वो सही है, अचानक से हमको पता चल जाए कि ये झूठ है तो हम बहुत अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जैसे ये क्या हो गया, अचानक से ये कैसे सब कुछ चेंज हो गया ना। ऐसा ही उनके साथ हुआ, वो बिलीव करते थे कि ज़िंदगी में सब कुछ खुशहाल है, सब ठीक है, अचानक से उनको पता चला कि नहीं, सारे लोग बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, कभी ना कभी उनको कोई डिसीज़ हो जाती है, वो रोगी हो जाते हैं और एक दिन वो मर जाते हैं। ये सब सोच के उनको बहुत बुरा लगा, ठीक है, और वो इससे बहुत मूव्ड हो गए, मतलब उनका मन जो था ना स्थिर था कि सब बढ़िया है, अचानक से उनको लगा कि नहीं जो मैं सोचता हूँ वो गलत है, तो उनके मन में बहुत बेचैनी सी हुई और उन्होंने एट द एज ऑफ 29 अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, कौन सी एज में छोड़ा था, 29 की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उनके घर में तब तक उनकी शादी हो चुकी थी, उनका एक बच्चा भी था, उन्होंने इन सबको छोड़ दिया। उसके बाद वो क्या किए, सच की तलाश में घूमते रहे। लोगों का मानना ये था कि अगर तुमको सच जानना है, अभी भी अगर तुमको लाइफ की जो रियलिटीज़ है उनको जानना है तो घर से बाहर निकलो। अभी भी यही होता है कि जब तुम घर से बाहर निकलोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा बिल कहाँ पे करते हैं, रहते कैसे हैं, सब्जी कैसे खरीदते हैं। अभी बच्चों को घर में पता नहीं चलता कि कैसे क्या करते हैं, अपने घर में खुश हैं। तो ऐसे ही जब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको सच जानना है, ट्रुथ जानना है, तो उन्होंने क्या किया, घर से निकले वो, और घर से निकल के वो क्या करते रहे, जंगलों में घूमते रहे, अलग अलग संतों से मिले, अलग अलग थिंकर से मिले, उनसे ज्ञान मांगा और बातचीत की, डिस्कशन किया, और उनको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम कोई चीज़ बोलते हैं, हम कुछ चीज़ किसी से क्वेश्चन करते हैं, वो आंसर देता है, तो क्या होता है, कभी कभी हमको लगता है ये तो बकवास कर रहा है, कभी कभी हमको क्या लगता है, ठीक है ये जो बता रहा है उसमें लॉजिक तो है, पर पूरा लॉजिक तुमको समझ में नहीं आता कि नहीं ठीक है 10-20% लॉजिक है, बाकी तो मैं नहीं मान रहा, ठीक है। तो ऐसा ही उनको भी लगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा नहीं मैं खुद से अपना सच की जो तलाश है मैं खुद करूँगा, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करूँगा, ऐसा लगा उनको, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, खुद मेडिटेशन किया 49 days तक पीपल ट्री के अंदर, बौद्ध गया बिहार में, वो चलते चलते बिहार चले गए, वहाँ पे उन्होंने सोचा कि इसी जंगल में बैठ के मैं जो है पूजा करूँगा, मेडिटेशन करूँगा। तो वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ के अपना मेडिटेशन शुरू कर दिया, उन्होंने 49 days तक ये मेडिटेशन किया, ठीक है, और उनको वहाँ पर एनलाइटमेंट मिला एट द एज ऑफ 35 years, ठीक है, मतलब 6 साल घूमने के बाद उनको उन्होंने मेडिटेशन किया, उनके बाद उनको एनलाइटमेंट मिला। एनलाइटमेंट मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब जब तुमको लगे कि सब एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ऐसे ही ज़िंदगी जीना है, ऐसे नहीं जीना, जैसे अभी ये क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं चीज़ें, फ्यूचर में क्या होगा हमको नहीं पता, हम क्या करेंगे हमको भी नहीं पता, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सही करें पर वो सही होगा कि नहीं वो हमको नहीं पता रहता। जब तुमको एनलाइटमेंट मिल जाता है तो तुमको पता होता है कि यही करना सही है, बिल्कुल 100% श्योर वाला, ठीक है। उसके बाद जो लोग हैं उनको उन्होंने बुद्धा कहना शुरू कर दिया, पहले क्या नाम था, सिद्धार्थ, या ना सिद्धार्थ कहते थे या क्या कहते थे, गौतम। अब जब से उनको एनलाइटमेंट मिली तो उसको हमने क्या, उनको क्या कहना शुरू कर दिया, बुद्धा, ठीक है। उसके बाद वो सारनाथ गए जो वाराणसी के पास है, और वहाँ उन्होंने अपनी पहली टीचिंग दी, मतलब बैठ के पहली बार लोगों को बताया कि कैसे ज़िंदगी जीना है, क्या करना है, ऐसे मत करो या ऐसे करो, ठीक है। और वो ऐसे ही पैदल चलते रहे जंगलों जंगलों में, अलग अलग जगह जाके उन्होंने ज्ञान दिया, और खुशीनगर में फाइनली उनकी उन्होंने अपना देह त्याग दे दिया, ठीक है। तो क्या करते थे, देखो कोई भी संत होता है जो उसका मेन जो पर्पस होता है, एम होता है, वो क्या होता है, लोक कल्याण, मतलब
खुद ज्ञान प्राप्त करना, खुद अपने दिमाग में इतना नॉलेज इकट्ठा करना कि वो दूसरों को जाके बता सके कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम ये सही करो। लोगों को मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने, वो लोगों के ऊपर है। तो ये संत का काम होता है। बुद्ध ने भी सेम किया, उन्होंने ज्ञान अर्जित किया फिर लोगों को बताया, ठीक है। अब वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, मतलब जो जिंदगी है वो दुख से दर्द से भरी हुई है, ठीक है। क्यों भरी हुई है, ड्यू टू डिज़ायर्स विच आर नॉट फुलफिल्ड, ऐसी इच्छाओं की वजह से जो कि पूरी नहीं होती। अब इच्छाएं कैसी, जैसे मान लो आज हमने कार खरीदी, हमारे पास कार नहीं थी, तब हमको क्या लगता था, जब हमारे पास कार आ जाएगी ना तो हमारा घर परफेक्ट एकदम सब ठीक हो जाएगा, हम लोग मस्त खुशी से रहेंगे। कार आ गई, अब क्या लगता है, हम इससे अच्छी कार खरीदेंगे, फिर उसके बाद क्या लगता है, और बड़ी कार, उसके बाद लग्जरी कार, उसके बाद सुपर डुपर लग्जरी कार। वहाँ पे भी हम नहीं रुकते, हमारे पास जब सबसे अच्छी कार हो जाएगी तो हमारी खुशी ही वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ये ठीक है हमारे पास लग्जरी कार है बट आई डोंट केयर, अब मुझे क्या चाहिए, अच्छा टीवी, और अच्छा टीवी, रूम थिएटर, पूरा ही थिएटर चाहिए। ऐसे क्या होता है, इच्छाएँ रहती हैं, लास्ट तक हम सोचते रहते हैं कि काश इससे अच्छा हो जाता। और अगर तुम्हारे पास सबसे अच्छी चीज़ है तो फिर वो चीज़ पसंद ही नहीं है, तुमको कोई और चीज़ चाहिए, ठीक है। इसलिए लोग क्या होते हैं, दुख दर्द में रहते हैं। अगर हाँ, अगर हम हमको वो मिल भी जाता है तो हम खुश दुखी रहते हैं, ये तो हमने पॉइंट पढ़ लिया। ये पॉइंट पढ़ो, हम क्या होता है, कभी जब हमारे पास दुख होते हैं तब हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमें दर्द हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है, इसलिए हम दुखी रहते हैं। जब हमारे पास खुशियाँ आती हैं तब भी हम दुखी रहते हैं, ये सोच के कि एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगी। हम ये नहीं सोचते कि आज हमारे पास है तो लेट्स एन्जॉय इट, नहीं, आज हमारे पास है लेकिन क्या पता कल होगी कि नहीं, हम ये सोच के दुखी हो जाते हैं। तो ये सब हमको बुद्धा ने बताया कि इसीलिए तुम हमेशा दुखी ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं रहेंगी, अगर खुशी है तो खुश तो भी तुम खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो थर्स्ट मतलब जो प्यास है ये कुछ अच्छा करने की, और इच्छाएँ, ये जो प्यास है उसको उन्होंने क्या डिस्कवर किया, तन्हा। वो कौन सा वर्ड यूज़ करते थे इसको बताने के लिए, तन्हा, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि तुम क्या करो, ज़्यादा एक्सट्रीम में मत जाओ, मतलब ना ज़्यादा दुखी रहो ना ज़्यादा खुश रहो। अगर बहुत खुशी है तब भी मॉडरेट बन रहो कि ठीक है, बहुत खुशी है पर अच्छी बात है। अगर बहुत दुख है तो भी दुखी, एक्सट्रीम दुखी मत हो, तो भी ऐसे रहो कि ठीक है दुख है पर ठीक, कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या बोला, दोनों साइड में एक्सट्रीम में मत जाओ। उन्होंने बोला कि जो अल्टीमेट एम है, मतलब जो मेन एम होना चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी का, वो क्या होना चाहिए, निर्वाणा। निर्वाणा मतलब ये जो बर्थ और डेथ का जो साइकिल है, हम जिंदा होते हैं, पूरी ज़िंदगी दौड़ते रहते हैं एंड देन मर जाते हैं, हम जिंदा होते हैं फिर हम दौड़ते रहते हैं फिर मर जाते हैं। वो बोलते थे कि तुम्हारी ज़िंदगी का मेन एम होना चाहिए निर्वाणा, इस मरने जीने सफरिंग से मुक्ति पाना, ठीक है। वो बोलते थे कि जो तुम कर्म कर रहे हो, जो तुम्हारे कर्मा हैं, वो तुम्हारी इस लाइफ में भी इफ़ेक्ट करेंगे जिस लाइफ में तुम जी रहे हो, और तुम्हारे आने वाली लाइफ में जब तुम रीबर्थ होगा उसमें भी इफ़ेक्ट डालेंगे। वो इनक्रेज करते थे सबको, बोलते थे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मत मानो, क्योंकि लोगों के दिमाग में अब क्या होने लगे थे, क्वेश्चन आने लग गए थे कि जो ये बोल रहा है वो सही है कि नहीं, लेकिन लोग क्वेश्चन करते नहीं थे, लोग उसको दबा के बैठे रहते थे कि ठीक है मान जाते हैं क्या है। लेकिन बुद्धा क्या करते थे, बुद्धा लोगों को एनकरेज करते थे वो कि अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है तो पूछो, और ऐसे ही मत करो कि ठीक है आपने बोल दिया हमने एक्सेप्ट कर लिया, तुम उसको अपनी जिंदगी में डाल के देखो कि वो काम करता है कि नहीं, ठीक है। ये बुद्धा हो गए ये, और बुद्धा का जो धर्म है वो फैला भी ऐसे, वो अलग अलग जगह जाते थे, अलग अलग जगह पे जाके अपने बातें बताते थे, तो उससे अलग अलग चीज़ें लोगों को समझ में आती थी और लोग ऐसे एसोसिएट होते लगे उसके बाद। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। तो इसमें 24 तीर्थंकराज हैं, 24 टीचर्स हैं। पहले हैं ऋषभ देव और आदित्यनाथ, और लास्ट है महावीरा। जो ऋषभ देव है उनको कहते हैं इनकार्नेशन ऑफ नारायणा, कहते हैं कि जो नारायण है, हिंदी जो हिंदू मैथोलॉजीज हैं उनमें एक देवता है नारायण, उन कहते हैं कि वो उनका अवतार थे, ठीक है। हमारे पास सिर्फ लास्ट के जो दो हैं, एक पारसनाथ और एक पारसनाथ नाम है इनका, ठीक है, पारसनाथ और महावीर के बारे में है। महावीर जो वर्ड है उसका मतलब होता है ग्रेट वॉरियर, ठीक है। तो महावीर ग्रेट वॉरियर क्यों कहते हैं हम तो, ये तो भाई संत थे, इन्होंने तो किसी को नहीं मारा, तो हम इनको वॉरियर क्यों कहते हैं, ये तो कोई लड़ने नहीं गए, तो हम इनको वॉरियर क्यों कहते हैं,
ये वॉरियर थे अगेंस्ट सफरिंग्स, अगेंस्ट अनहैप्पीनेस, सैडनेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, जो ज़िंदगी में इंसानों के दुख दर्द होते हैं, जो उनका पीड़ा होती है, उन सबसे लड़ते थे, इसलिए उनको क्या कहा गया, ग्रेट वॉरियर। ठीक है, इनका जो रियल नाम था वो वर्धमान था। इनकी जो बर्थ है और जो महावीर की बर्थ, बुद्धा की बर्थ है, वो क्या है, सेम टाइम पे। ठीक है, ये भी क्षत्रिय थे, ये वज्जी में पैदा हुए, ये इन्होंने 30 साल में घर छोड़ा और इन्होंने 12 साल बाद इनको एनलाइटमेंट मिला। ठीक है, तो जो बुद्ध थे उनको कब मिला था, 6 साल बाद, और इनको कब मिला था, 12 साल बाद। ठीक है, तो ये भी वही, इनकी स्टोरी और गौतम की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। इन्होंने बोला कि जिसको भी ट्रुथ जानना है वो पहले अपने घर से निकलो, ठीक है, और अहिंसा का पालन करो। अहिंसा का क्या मतलब होता था, किसी को भी मत मारो, किसी को मत मारो, ठीक है। और ये क्या करते थे, प्राकृति लैंग्वेज यूज़ करते थे। क्या था सोसाइटी में, जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, हायर सेक्शन एंड लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो जो लोअर सेक्शन थे उसमें बहुत सारे लोग आते थे, और जो ये बहुत सारे लोग थे ये प्रकृति भाषा में बातचीत किया करते थे। मतलब ऐसा था कि जो अपर सेक्शन है वो अलग लैंग्वेज बोलेगा, जो लोअर सेक्शन है वो अलग लैंग्वेज बोलेगा। जैसे अभी के टाइम पे क्या हो गया, जो बहुत हाईफाई हम लोग, हाईफाई लोग बोलते हैं, वो लोग क्या, ज़्यादातर जो स्टीरियोटाइप है वो क्या है, उनको इंग्लिश आती है, और जो थोड़े लोअर है उनको क्या, उनको हिंदी बस आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती, ऐसा स्टीरियोटाइप है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि जो हायर सेक्शन वाले थे वो अलग लैंग्वेज बोलते थे, जो लोअर सेक्शन वाले थे वो प्राकृति बोलते थे। तो ये जो जितने भी जो जैनिज्म, ये महावीर थे और बुद्धा भी, ये दोनों प्राकृति लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। इनके फॉलोवर्स को ये क्या कहते थे कि सिंपल लाइफ जियो, जितना तुमको, मतलब जितनी सिंपल तुम जी सकते हो उतना सिंपल जियो, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, जाके सबके यहाँ भीख मांगो और खाना लो, उनको भिक्षुक कहते थे हम लोग। ईमानदार रहो, कोई चोरी मत करो, और अपने जो लोगों के अंदर की जो भी भावनाएं हैं उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, सब कुछ त्याग दो। इवन जो मेन हैं, जो मेन ऑफ द सोसाइटी हैं, वो अपने कपड़े भी त्याग दें, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, हजारों लोग अपना घर छोड़ के आ गए ताकि वो जैन धर्म को अपना सकें, ठीक है। जो जैन धर्म था वो मेनली ट्रेडर्स के द्वारा जो है वो ज़्यादा अपनाया गया। क्यों, क्योंकि क्या हुआ था, जो फार्मर्स थे, ठीक है, जो पहले के ज़माने में ऐसा तो था नहीं कि चलो ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में कोई काम कर रहा है, ये पुलिस वाला है, ऐसा नहीं हुआ करता था। अब देखो, जो पुलिस वाला, जो वॉरियर थे, कौन कौन से सेक्शन थे, 3-4 सेक्शन थे। एक क्राफ्टमैन का सेक्शन था, और एक था हंटर वाला, एक था जो फार्मर्स, जो किसान हुआ करते हैं, एक राजा और एक संत, ये डिवीज़न हुआ करता था। तो जो क्राफ्टमैन है उसको वो जो था वो पार्टिसिपेट कर सकता था, जो राजा है वो नहीं कर सकता था, क्योंकि राजा को एक दिन फाइट लड़ना पड़ेगा, तो वो अहिंसा का पालन नहीं कर सकता, वो किसी को मार सकता है। जो फार्मर्स थे वो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि ये जो फार्मर हुआ करते थे, इनके कारण जब ये घास काटते थे या फसल काटते थे या पानी लगाते थे तो बहुत सारे जो जानवर हैं वो मर जाया करते थे, ठीक है। तो इसलिए जो फार्मर्स हैं उनको जैनिज्म, मतलब उनको जैन धर्म अपनाने नहीं दिया गया था, मतलब उनको मना था कि नहीं, आप अहिंसा करते हैं, आपको हिंसा करते हैं, आपको अपनाने नहीं दिया जाएगा। तो जो ट्रेडर्स था, ये पूरा सेक्शन इसको अच्छे से अपना सकता था। नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे बहुत, कर्नाटका आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, बहुत ज़्यादा जैनिज्म लोग को अपना रहे थे। तो जो जैनिज्म, देखो तो पहले भी जैसे वेद थे उनको लिखा नहीं गया था, ऐसे जो जैन धर्म की बातें थी वो भी नहीं लिखी गई थी, लेकिन 1500 साल पहले तक क्या, 1500 साल पहले क्या हुआ, उनको लिखना शुरू किया गया, ठीक है, तो वो लिखना शुरू किया गया। तो ये जो जैनिज्म था इसमें क्या होता था, एक संघ बनाते थे। संघ में क्या होता था, जितने लोग घर छोड़ के आए हैं वो सब एक साथ एसोसिएट करते थे, मतलब एक साथ रहना शुरू कर देते थे। मेन के लिए और वुमेन के लिए, मतलब आदमी और औरतों के लिए क्या था, अलग अलग ब्रांचेस थी कि हाँ, यहाँ सिर्फ आदमी रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ औरतें रहेंगी। जैसे गर्ल्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज होता है, यहाँ सिर्फ लड़के पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ेंगी, ऐसा था, ठीक है। इसमें ये नहीं था कि कोई भी आके ले ले, नहीं, अगर बच्चे जा रहे हैं जैन धर्म अपनाने या वहाँ घर छोड़ के जाने के लिए, तो बच्चों को अपने माता पिता की वो देनी होती थी, परमिशन देनी होती थी। जो नौकर होते थे उनको मालिकों की, जो कर्ज लिया होता था, जिसको, जिसके ऊपर कर्ज होता था उसको कर्जदाता की, ठीक है।
और जो औरतें होती थी उनको अपने हस्बैंड्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, और उस परमिशन के बाद ही वो जैन धर्म को अपना सकते थे और वहाँ घर छोड़ के जा सकते थे। ठीक है, क्या होता था कि वो मेडिटेट किया करते थे ज़्यादातर टाइम, क्या होता था उनका एक साथ बैठ के मेडिटेशन करना, और दूसरा काम क्या होता था जब उनको भूख लगे तो वो सिटी में जाके खाना मांगना, इसलिए हम उनको क्या कहते थे, भिक्षु। ये क्या करते थे, एक दूसरे को बताते थे, ज्ञान शेयर करते थे, आज मुझे ये चीज़ पता चली, तुम्हें वो चीज़ पता चली, हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को ज्ञान शेयर करेंगे। मीटिंग, कोई अगर झगड़ा हो जाता था तो उसके लिए मीटिंग किया करते थे, और वो क्या करते थे, जो भी बुद्धा बोलते थे, जो भी इनकी टीचिंग्स थी उनको लिखा करते थे और एक पोएम बनाया करते थे कि आज हमारी ज़िंदगी जो है वो कैसी है संघ में, इन सब के बारे में पोएम बनाते थे। फिर मॉनेस्ट्रीज आई, मोनेस्ट्रीज़ क्या होती थी कि जैसे ये लोग पूरे ईयर भर घूमते रहते थे, पूरे साल घूमते रहते थे, बट एंड ऑफ द डे कभी कभी क्या होता था, क्लाइमेट चेंज की वजह से या किसी दिक्कत की वजह से इनको रुकना पड़ता था, जैसे बारिश के सीज़न में, तो वो क्या करते थे, एक टेम्प्ररी जैसे टेंट लगा दिया, ऐसे रहने लगते थे, इसको रीड कर लेना पॉइंट्स को, ऐसे रहा करते थे, कभी कभी केव्स में रहा करते थे। तो लोगों ने क्या किया, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, जो किंग थे, इन लोगों ने क्या किया, डोनेशन किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जिन बिल्डिंग्स में ये रह सकें। तो वहाँ पे भी यही था, वो पूजा करते थे, शेल्टर लेते थे, वो परमानेंट शेल्टर्स बन गया, और लोग उनके लिए खाना लेके आया करते थे। और इन्हीं मोनेस्ट्रीज को भी क्या विहार भी कहा जाता था। ठीक है, ये किससे बने होते थे, वुड और ब्रिक्स के बने होते थे, वेस्ट इंडिया में इनकी केव्स मिली हैं। ठीक है, और जो लैंड होता था जहाँ पे वो बनाएंगे वो किससे लेते थे, वो मर्चेंट से या किंग से, जो बड़े बड़े सौदेगार होते थे, किंग होते थे, उनसे लेते थे, जो लोकल पीपल होते थे उनसे गिफ्ट लिया करते थे, और इनके बदले में नहीं पर वो क्या करते थे, लोगों को बताया करते थे, टीचिंग्स दिया करते थे। ठीक है, तो लोग उनको क्या करते थे, ऑफरिंग्स देते थे, गिफ्ट देते थे। अब जैसे बरसात का सीज़न है, वो नहीं जा सकते, तो आसपास के लोग उनको खाना दिया करते थे। ठीक है, तो ऐसे जैनिज्म और बुद्धिज़्म, दो अलग अलग कल्चर जिनमें बहुत सिमिलैरिटी थी, उनको एक साथ ऐसा इवॉल्व हुआ। तुम देखना, जैनिज्म और बुद्धिज़्म में बहुत सिमिलैरिटी है, बट जो जैनिज्म है वो थोड़ा टफ है, वो कल्चर बहुत टफ है। अब मतलब इवन कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी गर्मी हो, कपड़े नहीं पहनना है और पैदल ही चलना है नंगे पाओ, किसी की पूरी ज़िंदगी अहिंसा का पालन करना है, सच बोलना है, जो ईमानदार रहना है, बहुत डिफ़िकल्ट था। ठीक है, परमिशन लेके जाना है। और जो बुद्धिज़्म था वो थोड़ा ईजी था, तो इसीलिए बुद्धिज़्म थोड़ा ज़्यादा फैला कंपेरेटिवली। उसके बाद हम आते हैं उपनिषद के बारे में। ठीक है, उपनिषद में क्या होता था, उपनिषद का मतलब है कि बैठना, पास में आना और बैठना। ठीक है, ये मतलब होता है। इसमें क्या होता था, इन पूरे उपनिषद में क्या है, एक बुक है जिसमें टेक्स्ट है डायलॉग्स के फॉर्म में। डायलॉग्स किसके किसके बीच में है, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में, सिंपल डायलॉग मतलब बातें हैं। ठीक है, इसमें आंसर्स हैं क्वेश्चंस के, जैसे एक शिष्य है वो अपने गुरु से पूछता है कि लाइफ क्या है, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हम लोग सेक्रीफाइसेस क्यों करते हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ हैं वो क्यों करते हैं, लाइफ क्या होती है डेथ के बाद क्या होता है। ठीक है, ये सब पूछा जाता था और जो टीचर्स थे वो आंसर दिया करते थे। इसमें सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि दे फेल्ट दैट द आत्मा एंड ब्रह्म नेवर डाइज, मतलब ये मानते थे कि दो चीज़ें हैं, एक है आत्मा और दूसरा ब्रह्म, और ये दोनों कभी नहीं मरती, शरीर मरता है आत्मा नहीं मरती। ठीक है, आत्मा और ब्रह्म में डिफरेंस क्या है, जैसे मान लो ये एक बूंद पानी है तो ये पानी ही, लेकिन ये एक बूंद है, अगर इस समुद्र में चला जाएगा तो ये समुद्र और बूंद दोनों एक ही हो जाएगी, तुम वो बूंद अलग से नहीं दिखेगी तुमको, वो समुद्र में मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो समुद्र है उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म। ठीक है, मतलब मोस्ट पावरफुल काइंड ऑफ, और जो एक सोल है, जो एक आत्मा है, वो क्या है, आत्मा एक बूंद। ठीक है, जो बहुत सारे थिंकर्स थे उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण थे, राजा थे, कुछ औरतें थीं जैसे कि गार्गी है, ये बहुत फेमस थी। क्यों, क्योंकि ये जो बड़े बड़े किंगडम्स होते थे ना, तो जैसे किंग होता था तो वो अपने दरबार में बैठता था तो क्या करे, तो ज्ञान की बातें चला करती थी, डिबेट्स हुआ करते थे, उसमें ये बहुत पार्टिसिपेट करती थी। जो पुअर होते थे वो रेयरली अलाउड होते थे, रेयरली अलाउड इसलिए होते थे क्योंकि जो पुअर होते थे उनको बहुत काम करना पड़ता था टू अर्न देयर ब्रेड,
खाना कमाने के लिए उनको बहुत काम करना पड़ता था, इसलिए वो ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते थे, ठीक है। पर एक थे जिनका नाम है सत्यकामा जनामा, आई एम सॉरी अगर कुछ गलत हुआ हो तो, ठीक है। उनकी माँ थी, वो स्लेव थी और उनका नाम था जनाली, ठीक है। तो उनके नाम पे फिर ये बातें हुई थी, और जो ये पुअर थे और ये पुअर सेक्शन से आते थे, पर फिर भी इनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। बहुत सारे आइडिया थे जो बाद में डेवलप किए थे शंकराचार्य के द्वारा, ठीक है। और बस और उस टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स थे जो अपने अपने काम पे लगे हुए थे, बहुत सारे टीचर्स थे, जैसे बुद्ध अपना काम कर रहे थे वो लोगों को टीच कर रहे थे, जो महावीर थे वो अपने तरीके से लोगों को समझा रहे थे, जो ये उपनिषद में जो चीज़ें लिखी थी वो लोग अलग 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 जो टीचर्स थे गुरु थे वो उपनिषद लिखा करते थे, ठीक है। ऐसी एक थे पाणिनी, जो पाणिनी थे वो पहले जो ग्रामर थी संस्कृत की उन्होंने ये बनाया था, इन्होंने वॉबल्स और कॉन्सोनेंट्स को स्पेशल ऑर्डर में रखा था, ठीक है। और इन्हीं उपनिषद में ना चार लाइफ के आश्रम के बारे में बात की गई थी। आश्रम का मतलब ऐसे नहीं कि वो बना दिया कुटिया बना दी गार्डन बना दिया, उन आश्रम की नहीं, आश्रम मतलब फोर फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में। पहला क्या था, ब्रह्मचार्य, मतलब 25 साल की एज तक तुमको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, फोकस ऑन योर स्टडीज, दैट्स इट, ठीक है। फिर दूसरा था गृहस्थ, 25 से 30 साल की 25 से 50 साल की एज में था ये, 25 से 50 साल की एज में तुमको क्या करना है, गृहस्थ जीवन, मतलब अब तुम पढ़ लिख चुके हो, अब तुम शादी करो, घर बसाओ, बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ाओ, उनकी विशेस फुलफिल करो, ये। फिर 50 से 75 तक क्या करना था तुमको, वानप्रस्थ, मतलब मेडिटेशन करो, घर से बाहर जाओ, अपना मेडिटेशन में काम करो एंड ऑल। फिर आता है संन्यास, ये कब तक होता था, डेथ तक, मतलब जो तुमने अभी तक मेडिटेशन में तुम्हारे पास है वो भी छोड़ दो और जंगल में रहने लगो, ठीक है, और अपना मेडिटेशन करो जब तक तुम मर नहीं जाते, संन्यास रूप धारण कर लो। अब एक जगह है ईरान में, वहाँ पे जोस्टर करके एक धर्म आया था, ठीक है। उसमें क्या था कि ईरान के जो प्रोफेट होते हैं ना, प्रोफेट मतलब संत काइंड ऑफ, वो थे, वो उनको क्या कहा जाता था कि जैसे भगवान की एक अवतार काइंड ऑफ थे वो, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो किसके जैसी थी, वेद जैसी थी, जैसे वेदास होते हैं वैसी ही थी, ठीक है। और इसमें क्या था, ये बहुत फैला ईरान में, उसके आसपास भी बहुत जगह पे फैला, ठीक है। धीरे धीरे ये लोग क्या करने लगे, माइग्रेट करने लगे। लोगों की आदत होती थी कि चलो बहुत दिन तक यहाँ रह लिए, अब दूसरी जगह चलते हैं, लोग घूमते थे, तो ये लोग भी माइग्रेट करने लगे, घूमने लगे, और धीरे धीरे कहाँ कहाँ आ गए, महाराष्ट्र, गुजरात, ये कोस्टल एरिया में पहुँचे। और जो पारसीज हैं उनके ये एंसेस्टर्स हुआ करते थे, तो जो वेद थे और जो वहाँ पे धर्म था उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इससे क्या समझ में आता है कि जो ऑल ओवर ये पूरा वेदा सिस्टम है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो हमारी माइथोलॉजी है और जो बाकी धर्मों की माइथोलॉजी है, जो भी आप धर्म से हो, उन सबकी माइथोलॉजी हमको एक ही चीज़ समझाती है, टू बी काइंड, टू बी हम्बल, टू रिस्पेक्ट अदर सोल्स ऑल्सो, जैसे कि एनिमल्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, जानवरों की रिस्पेक्ट करना, उस हर चीज़ की रिस्पेक्ट करना जिसमें जान है, ये सब सिखाता है, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये हुआ हमारा एंड ऑफ द चैप्टर, आई होप यू लाइक दैट, लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना, बाय बाय।